एक कप घी है, 5 से 6 छोटी इलायची हैं, 4 eggs हैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और 3 चम्मच पाउडर मिल्क है और 1 कप चीनी है। ब्रेड है 1 मीडियम साइज़ की। अब हम 1 अदद बाउल लेंगे, एक लीटर हमने दूध लिया, इसको हमने उबालने के लिए चढ़ा दिया, फ्राई पैन को गर्म करने रख दिया। अभी हम 1-1 करके एग बीट करेंगे। अब हम एग बीट कर रहे हैं। दूध बॉयल हो रहा है, अब इसके अंदर हमने पाउडर मिल्क थोड़ा सा पानी में घोल कर डाल दिया और इसी टाइम हम छोटी इलायची भी कूट कर डाल देंगे और ये जो मलाई बनती जा रही है इसको हम एक साइड पे करते रहेंगे, एक तरीके से रबड़ी का लच्छा बन जाएगा। और अभी इसी टाइम के ऊपर हम चीनी ऐड कर देंगे, इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। 3 टेबल स्पून हम शुगर के लेकर एग्स में बीट करेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट करने के बाद घी को हम गर्म फ्राई पैन में डालेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा, घी गर्म हो रहा है, अब हम ब्रेड के स्लाइस उठाएंगे। और एग्स के अंदर डिप कर इसको फ्राई करेंगे। और इसी दौरान हम जो कॉर्नफ्लोर हमने 2 चम्मच लिया था उसको दूध के अंदर डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और जब तक हमारे ब्रेड स्लाइस फ्राई हो रहे हैं। ये जो हमने फ्राई करके निकाले हैं ब्रेड स्लाइस, ये अब हम मिल्क के दूध के अंदर डाल रहे हैं और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये हमने डिश आउट कर लिया है और जो ये दूध था इसमें से बचा हुआ ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप इसको ठंडा कर अच्छी तरीके से फ्रिज में खाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने इसके अंदर मावा या रबड़ी मिक्स की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, गार्निशिंग कीजिए इसको बादाम के साथ, पिस्तों के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।